दोस्तों भारत दौरे पर आए रशिया के ट्रेड एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर डेनिस मेंट्रोव ने कहा, इंडिया और रशिया बहुत जल्दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाला है। ये एक ऐसा कदम है जो दोनों देशों के बीच कमर्शियल रिलेशन को काफी बढ़ा सकता है। इससे आने वाले टाइम में दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक रिलेशंस भी काफी मजबूत होंगे। बावजूद इसके कि यूरोप और अमेरिका ने पिछले साल रशिया के यूक्रेन पर आक्रमण करने पर कहा था कि वो इंडिया को रशिया से दूर रखने पर काम करेंगे, लेकिन ये एफटीए साबित करेगा कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस पहले भी मजबूत थे और आने वाले टाइम में भी स्टेडी रहेंगे। दोस्तों रशिया से भारत का इंपोर्ट पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में 4 गुना बढ़ गया और करीब $46.33 बिलियन हो गया। इसका मेन कारण है रशिया से तेल की खरीद। रशिया हमें डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल्स बेच रहा है। दोस्तों रशिया का ये कदम उठाने की एक वजह भी है कि वहाँ से सभी वेस्टर्न ब्रांड्स लगभग पूरी तरह से जा चुके हैं और रशियन मॉल सब खाली हो चुके हैं। ऐसे में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके रशिया करीब 5,000 इंडियन ब्रांड्स को रशिया में इन्वाइट करेगा। साथ ही दोस्तों इंडिया रशिया ट्रेड में इंडिया का इम्पोर्ट ज्यादा है रशिया से और एक्सपोर्ट कम। इस एग्रीमेंट के बाद हम भी बराबरी के हिस्सेदारी पर आ जाएंगे और हमें ज्यादा डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा रशिया से क्रूड ऑयल के लिए।